दोस्तों आइए अब अपना शहरी सफर आगे बढ़ाते हैं। इधर बहुत ही अच्छी बातें ये हुई हैं कि नए शौरा ने अपना एक एडिक्शन तलाश करने की बहुत कोशिश की है, उसके लिए बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत मुशायदा कर रहे हैं, बहुत दिगर प्लेटफॉर्म से भी अपने आप को जोड़े हुए हैं ताकि वो अपना एक रास्ता, एक अपनी राह तय्यून कर सके, उसके तरफ बहुत कोशा है। ये जो हमारे शायर हैं ये भी असीर गजल हैं और बहुत ही मुताले और मुशाहदे की जो बात की जाती है उनके कलाम में दिखता है, महसूस होता है, वो इस बात का गम्माज है कि यकीनन वो बहुत ही होशमंदी से अपनी गजलें कहते हैं। हमारे दरमियान आस फातमी साहब मौजूद हैं, मैं उनको इतनी अदब के साथ यहाँ पे अपने कलाम देता हूँ, जो आए और अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं। दम बदम बढ़ने लगी है आस हैरानी मेरी, दम बदम बढ़ने लगी है आस हैरानी मेरी, क्या नुमू पाने लगी है फसलें इम्कानी मेरी, दम बदम बढ़ने लगी है आस हैरानी मेरी, क्या नुमू पाने लगी है फसलें इम्कानी मेरी, और ए गमेनो कुछ दिनों तो दिल में रह आराम कर, ए गमेनो कुछ दिनों तो दिल में रह आराम कर, क्यों अभी से ही बढ़ाता है परेशानी मेरी, ए गमेनो कुछ दिनों तो दिल में रह आराम कर, क्यों अभी से ही बढ़ाता है परेशानी मेरी, ये खलाओं में मुसलसल फूटती खामोशियाँ, ये खलाओं में मुसलसल फूटती खामोशियाँ, या तो है तहरीक इमकान या है बेध्यानी मेरी, ये खलाओं में मुसलसल फूटती खामोशियाँ, या तो है तहरीक इमकान या है बेध्यानी मेरी, दम बदम बढ़ने लगी है आस हैरानी, क्या नुमू पाने लगी है फसलें इम्कानी मेरी। एक मतला दो तीन शेर, मुझको तखलीक का इदराक मैसर न हुआ, मुझको तखलीक का इदराक मैसर न हुआ, मैं वो मिट्टी हूँ जिसे चाक मैसर न हुआ, मुझको तखलीक का इदराक मैसर न हुआ, मैं वो मिट्टी हूँ जिसे चाक मैसर न हुआ, उनके कूचे में मेरी खाक ठिकाने न लगी, उनके कूचे में मेरी खाक ठिकाने न लगी, खाक को मर्तबा खाक मैसर न हुआ, उनके कूचे में मेरी खाक ठिकाने न लगी, खाक को मर्तबा खाक मैसर न हुआ, जिसके सदक़े मुझे एक वसल फराहम होता, जिसके सदक़े मुझे एक वसल फराहम होता, हाय वो लम्हे बेबाक मैसर न हुआ, जिसके सदक़े मुझे एक वसल फराहम होता, हाय वो लम्हे बेबाक मैसर न हुआ, जहर गम फैल गया इतना मेरी रग रग में, जहर गम फैल गया इतना मेरी रग रग में, मर ही जाऊंगा जो तेरी आंख में असर न हुआ। और आखिरी गजल मतलब दो तीन शेर के, गुजरी है मुझसे बात ये कहती हुई हवा, गुजरी है मुझसे बात ये कहती हुई हवा, हर शख्स एक हुबाब हर एक जिंदगी हवा, गुजरी है मुझसे बात ये कहती हुई हवा, हर शख्स एक हुबाब हर एक जिंदगी हवा, सन्नाहटे की झील में उस एक जात ने, सन्नाहटे की झील में उस एक जात ने, एक लफ्ज क्या कहा कि मचलने लगी हवा, सन्नाहटे की झील में उस एक जात ने, एक लफ्ज क्या कहा कि मचलने लगी हवा, कुछ इसलिए भी दायरा बढ़ने लगा मेरा, कुछ इसलिए भी दायरा बढ़ने लगा मेरा, मेरा वजूद खाक मेरी रोशनी हवा, कुछ इसलिए भी दायरा बढ़ने लगा मेरा, मेरा वजूद खाक मेरी रोशनी हवा, कुछ फ़ायदा उठाओ हमारा वगर ना आस, एक रोज़ हो ही जाएंगे हम लोग भी हवा। और एक आसान सी गज़ल मेरे याद आ गई, एक मतलब दो तीन शेर उसके, सॉरी सर, के तू अगर मेरा हमनवा होता, आदिल शेर सुना,
تو اگر میرا ہم نوا ہوتا آسمانوں پہ نقش پا ہوتا اور جانے کب کا سلجھ گیا ہوتا میں اگر تیرا مسئلہ ہوتا جانے کب کا سلجھ گیا ہوتا میں اگر تیرا مسئلہ ہوتا کتنی صدیوں کو راہ مل جاتی کتنی صدیوں کو راہ مل جاتی وقت کچھ دیر گر رکا ہوتا اور دفعتاً یوں ہی ایک خیال آیا کتنی صدیوں کو راہ مل جاتی وقت کچھ دیر گر رکا ہوتا اور دفعتاً یوں ہی ایک خیال آیا دفعتاً یوں ہی ایک خیال آیا تم نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا دفعتاً یوں ہی ایک خیال آیا تم نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا اب تیرے بعد سوچتے ہیں آس اب تیرے بعد سوچتے ہیں آس یوں نہیں کاش یوں ہوا ہوتا. شکریہ.